दोस्तों ये सवाल हर किसी के माइंड में आता रहता है कि सर मेरी पत्नी ने पुलिस थाने में साथ रहने से मना कर दी है, सीएडब्ल्यू सेल में भी साथ में रहने से मना कर दी है, काउंसलिंग में साथ रहने से मना कर दी है, तो क्या मैं इस बेस पे तलाक ले सकता हूँ। हर किसी हस्बैंड के माइंड में ये सवाल रहता है, तो आज इसी टॉपिक पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों ये सवाल था प्रशांत कश्यप करके एक सब्सक्राइब है, उनका सवाल था कि सर मेरी पत्नी ने पुलिस थाने में काउंसलिंग में मना कर दिए साथ रहने के लिए, तो क्या अब मैं इस बेस पे तलाक ले सकता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आपकी पत्नी, मान लीजिए पुलिस थाने में आपकी काउंसलिंग हो रही है दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, और वो साथ रहने से मना कर रही है, सीएडब्ल्यू सेल में, एडीआर ऑफिस में, कहीं भी महिला सेल में, कहीं भी अगर आपकी काउंसलिंग हो रही है और आपकी वाइफ ये कहती है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना, तो इस बेस के ग्राउंड बनाकर आप तलाक नहीं ले सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा, एविडेंस एक्ट की धारा 24 एंड 25 ये क्लियरली कहती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेबल नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप कोई पुलिस के सामने कोई बयान देते हो तो वह ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेबल हो, उसको कोर्ट माने या नहीं माने, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान होता है, आपका जो बयान होते हैं वह मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने होना चाहिए। पुलिस के सामने क्या होता है कि पुलिस कई बार फोर्सफुली हो सकता है, किसी तरह की उसके पास दबाव है, कोई प्रॉब्लम हो उसके साथ, तो वो उस चीज़ को मानते नहीं है, तो वह कोई ग्राउंड नहीं बनता है। लेकिन अगर वही पत्नी कोर्ट में जाके मना करती है कि मुझे पति के साथ नहीं रहना, तो इस ग्राउंड पर आपको तलाक मिल जाएगा। लेकिन अगर पुलिस के सामने मना कर रही है, काउंसलिंग में मना कर रही है आपकी पत्नी कि मुझे साथ में नहीं रहना पति के, तो उस सिचुएशन में आपको उसके कोई ग्राउंड नहीं बना सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, पहले फाइल कोर्ट में जाने दीजिए। अगर कोर्ट में वो सेम, क्योंकि आपने कहीं पर देखा होगा महिला सेल में कहीं पर आपका काउंसलिंग होती है, वहाँ पे पत्नी साथ में रहने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब तक कोर्ट तक आपकी फाइल जाती है वहाँ पे पत्नी वापस हाँ करने लग जाती है कि मुझे मेरे पति के साथ में ही रहना है। तो सिचुएशन यहाँ पे ये आ जाती है दोस्तों कि कोर्ट में दिया हुआ बयान ही आपका एडमिसिबल होता है और पुलिस के सामने दिया हुआ बयान अभी एडमिसिबल नहीं होता है इन कोर्ट में। तो यह प्रोसेसिंग होता है दोस्तों कि पुलिस के सामने अगर आपकी पत्नी मना कर रही है तो आप बिल्कुल तलाक उस ग्राउंड पर नहीं ले सकते, आपको कोर्ट का वेट करना पड़ेगा, कोर्ट में आपकी वाइफ क्या बयान देती है, अगर कोर्ट में इसी तरह सेम टाइप का बयान दे रही है तो फिर वहां से आप उस ग्राउंड को बना के तलाक ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा वीडियो था लेकिन काफी महत्वपूर्ण वीडियो था आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।